रहीम आज का लेक्चर जो है बच्चों बड़े इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं एक कलर कोड कार्बन रजिस्टर है रियोस्ट्रैट है और थर्मिस्टर है सबसे पहले आ जाते हैं हम कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स पर तो मार्केट में जो कार्बन रजिस्टर्स हैं बच्चों वो कुछ इस शेप में हमें अवेलेबल होते हैं इनको बनाया कैसे जाता है सबसे पहले एक बेस होती है वो बेस होती है हाई ग्रेड सिरेमिक सिरेमिक मटीरियल होते हैं मेटल ऑक्साइड मटीरियल होते हैं जिनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं सबसे पहला हिस्सा सबस्ट्रेट का होता है यहां पर आपको ये नजर आ रही होगी लाइन सिरेमिक रॉड यानी एक सिरेमिक रॉड है एक सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कहते हैं बुनियाद को ये बुनियाद रखी जाती है उसके ऊपर थिन फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट थिन फिल्म क्या होती है जैसे एक बुलबुला होता है ना तो बुलबुले की जो लेयर होती है उसको आप थिन फिल्म कह सकते हैं सेम इसी तरह बहुत बारीक लेयर होती है कार्बन की जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर पेस्ट की जाती और फिर इसके ऊपर एक फ्लेम प्रूफ जैकेट फ्लेम प्रूफ मतलब उसको आग ना लग सके एक जैकेट जो है वो उसके ऊपर उसको पैकअप किया जाता है उसके अंदर तो फिर कहीं जाकर बनता है ये कार्बन रेजिस्टर ठीक है इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर भी होते हैं फिक्स भी होते हैं ये कौन सी टाइप है ये की टाइप है। अब इन रजिस्टर की वैल्यूज का जो इंडिकेशन है वो कैसे की जाती है उसके लिए एक मेथड होता है, जिसे कलर कोडिंग कहते हैं कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स। तो उन कलर कोड्स के लिए यहां पर आपके सामने एक स्लाइड है कि आपके बुक पर एक पूरा टेबल बना हुआ है और उस टेबल को याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट भी बच्चों को याद करवाई जाती है कि बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ ठीक है तो यहां पर बी बी रॉय में ब्लैक जीरो से शुरू करना है फिर वन रेड टू ऑरेंज थ्री येलो फोर जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही नंबर्स हैं ग्रीन फाइव ब्लू सिक्स वॉइलेट सेवन ग्रे एट और वाइट पे नाइन जो है ये हमारे पास आ जाएगा तो कार्बन के ऊपर, बेसिकली कलर कोड्स होंगे हमने उन कलर कोड्स को कैसे रीड आउट करना है तो पहले तो यहां पर आप ये स्टेटमेंट याद रख लेंगे फिर उसके बाद इस चैप्टर में इतने ज्यादा क्वेश्चन इसके है नहीं तो हमें याद भी साथ साथ ही हो जाएगा डजेंट मैटर तो यहां पर भी टेबल उसी तरह शो किया हुआ है बी बीबी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ये उन उन कलर्स के साथ भी मैंशन किया हुआ है जो जो कलर कोड जैसे ब्लैक के लिए अल्फाबेट ब्लैक रखा गया है ग्रीन ब्लू वॉयलेट तो इसका मैं आपको स्क्रीन शॉट भी शेयर कर दूंगा इस इतने हिस्से को देख कर आपको कलर और कोड दोनों चीजें याद आ जाएगी अच्छा बच्चों अब गौर से तहमुल से बेसिकली रजिस्टर्स के ऊपर पहले तीन कोड्स जो होते हैं फर्स्ट थ्री कोड्स वो कलर कोड्स होते हैं और जो चौथा बैंड होता है इसको टॉलरेंस बैंड कहा जाता है ठीक है अब फर्स्ट डिजिट क्या इंडिकेट करता है ये फर्स्ट कलर क्या इंडिकेट करता है फर्स्ट कलर इंडिकेट करता है फर्स्ट डिजिट सेकंड कलर जो होगा वो सेकंड डिजिट को और जो थर्ड कलर होगा ना उसको आप दो तरह याद रख सकते हैं आप उसको पावर ऑफ टेन्स के तौर पे भी याद रख सकते हैं या आप उसको नंबर ऑफ जीरोस के तौर पे भी याद रख सकते हैं टॉलरेंस क्या होती है टॉलरेंस को मैं इन डिटेल बताता हूं बाद में लेकिन टॉलरेंस के तीन हिस्से जो आपकी बुक में मेंशन में है वो याद रख लें गोल्ड की टॉलरेंस 5 परसेंट इसको बेसिकली प्लस माइनस 5 परसेंट कहते हैं सिल्वर की प्लस माइनस टेन और अगर कोई चौथा बैड ना हो तो प्लस माइनस ट्वेंटी और ये भी याद रखें कि गोल्ड से कम वाली टॉलरेंसेस भी होती हैं लेकिन वो हमारी बुक में मेंशन नहीं है वन परसेंट टू परसेंट वाली भी होती हैं और टॉलरेंस को हम कह सकते हैं पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू अब आगे एग्जांपल आती है तो मैं आपको सारी चीजें उसमें क्लियरली बताता हूं जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि पहला कलर जो है वो रेड दिया हुआ तो मैं कलर कोड का टेबल निकालूंगा उसमें देखूंगा रेड का डिजिट क्या है तो मैं टू लिख दूंगा दूसरा कलर वॉयलेट दिया हुआ तो फिर मैं टेबल को देखूंगा टेबल में वॉयलेट का कलर सेवन है तो मैं यहाँ पे सेवन लिख दूंगा तो पहले दोनों कलर दोनों डिजिट्स हो गए अब तीसरा कलर जो है वो ऑरेंज है अब मैंने ऑरेंज का नंबर यानी थ्री नहीं लिखना या तो मैंने तीन जीरो लिख देने हैं या मैंने इसको टेन पावर थ्री लिख देना ठीक है और फिर इस सारे नंबर को हमने इकट्ठा मिला के पढ़ लेना है टू सेवन और थ्री जीरो और सात ओहम लिख देना है तो 27 किलो ये इसका रेजिस्टेंस आंसर बन जाएगा अब इसका चौथा बैंड सिल्वर है सिल्वर की टॉलरेंस है है? प्लस-माइनस इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल देता हूं फर्ज करें किसी रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास हंड्रेड ओह आई है अब अगर इसके साथ प्लस माइनस टेन परसेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हंड्रेड से टेन परसेंट कम भी हो सकती है वैल्यू और हंड्रेड से टेन परसेंट ज्यादा भी हो सकती है यानी आपको जो रजिस्टर दिया जा रहा है मार्केट से आप जो रजिस्टर परचेज कर रहे हैं जरूरी नहीं है एग्जैक्ट हंड्रेड होम आंसर दे आपको सर्कट फ्लक्चुएशन टेम्परेचर वेरिएशन के बिना पर टॉलरेंस को अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी नहीं कह सकते हाँ अनसर्टेनिटी इन द सेंस कह सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी हम अनसर्टन हैं कि हमारा सर्कट हमें एग्जैक्ट हंड्रेड दे रहा है या नहीं दे रहा तो हमें 90 से लेके 110 की रेंज में रेजिस्टेंस मिलेगी नहीं हमारा बैंड वेट हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस की कि अगर टॉलरेंस 10% परसेंट है तो हमारी वैल्यू 90 से लेकर 110 तक फ्लक्चुएट कर सकती है और अब सोचें अगर 5% परसेंट हो तो हमारी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 95 से 105 तक और अगर हमारे पास टॉलरेंस 20% परसेंट हो यानी चौथा बैंड हो ही ना तो ट्वेंटी वेरिएशन आ जाएगी यानी फिर जो बात है वो एटी से 120 ओम्स तक वेरिएशन आ सकती है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग इतनी ज्यादा वेरिएशन हमें नहीं चाहिए तो जितनी कम टॉलरेंस होगी बच्चों उतना ही अच्छा बिहेव करेगा उतनी ही अच्छी कंडीशन में या उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा तो टॉलरेंस क्या है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू इसके बाद आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको साथ साथ सॉल्व कर लें ब्राउन ग्रीन रेड और गोल्ड अब ब्राउन का कोड देखें क्या है वन है ग्रीन का टेबल में फाइव है और रेड की जगह पर क्या लिखूं अब मैं हाँ बच्चों रेड की जगह पर क्या आएगा रेड की जगह पे जीरो आएंगे कितने जीरोज आएंगे दो जीरो आएंगे शाबाश और गोल्ड है तो प्लस माइनस फाइव परसेंट तो लें जी, फिफ्टीन हंड्रेड ओम इसका आंसर आ जाएगा इसी तरह अगला शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए येलो का कलर नंबर कितना है फोर और वाइट का नाइन ऑरेंज की जगह क्या लिखें? थ्री जीरो गुड और सिल्वर के लिए प्लस माइनस टेन परसेंट तो ये हमारा कलर कोड कार्बन रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा ठीक हो गया बच्चों तो बहुत इजी है पहला कलर पहला डिजिट दूसरा कलर दूसरा डिजिट और तीसरा कलर का मतलब है नंबर ऑफ बाद

अब हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं नो इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस उससे अगला हिस्सा इसकी मैन्युफैक्चरिंग का है। इट कंसिस्ट ऑफ बेयर मैगनिन वायर मैगनिन वायर जो है वो मैग्नेशियम कॉपर एल्यूमिनियम का एलोय है वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर अच्छा ये इसका सिंबल है इस सिंबल को भी एक नजर देख लेना है बाकी एक्सप्लेनेशन में अभी इसकी इन डिटेल करूंगा रियो स्टेट के यूजेस क्या क्या है रियोस्टेट जो है बच्चों इसके दो मेन यूजेस हमने बुक में पढ़ने हैं आज एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियल डिवाइडर और ये कहां कहां पर यूज हो सकता है ये जो हमारे पंखे तेज या स्लो करने वाली नॉब्स होती है ना इनको डिमर्स भी कहते हैं ठीक है ये वहां भी यूज होते हैं और रेडियो सेट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है करंट फ्लक्चुएशन के लिए अब आते हैं बात के इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डायग्राम आप अपनी फिजिक्स लैब्स में कभी जाएंगे तो यकीनन जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तो उन प्रैक्टिकल्स में ये डिवाइस रियोस्टेट जो है वो आपके सामने लाजमी रखी जाएगी अब इस डिवाइस को थोड़ा और करीब से देखें तो बच्चों इसका यहां पर एक टर्मिनल होता है इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल ए एक टर्मिनल इसका इस जगह पर होता है ये वाला इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल बी का ये जो ए और बी टर्मिनल होते हैं ना ये फिक्सड होते हैं और ये जो वायर होती है ना सारी ये सारी मैगन वायर है इट्स ऑल अबाउट वायर ये सारी ठीक है ये कंप्लीट वायर जो यहां पर इसके ऊपर वाउंडेड है जिसे बेर मैगनिन वायर कहते हैं ये ए और बी टर्मिनल के दरम्यान लगी होती अब ये जो इसके ऊपर आप टर्मिनल देख रहे हैं ये टर्मिनल सी है ठीक है ये कौन सा टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल है इसी स्लाइडिंग टर्मिनल के बिना पर हम अपने सर्किट को या एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर सकते हैं या एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं सो so अब इसके एक स्केच डायग्राम के साथ हम चीजों को समझेंगे तो अभी हम पहला यूज इसका क्या सीखने लगे हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर आप सब बच्चों को एक प्रिंसिपल याद होगा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है सो so इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज करने के लिए मैं एक इमेजिनरी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं पहली बात तो ये कि जो वायर है वो किन टर्मिनल्स के दरमियान है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी और ऊपर जो टर्मिनल सी है ये कौन सा कॉन्टेक्ट है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है अच्छा जब आपने इसको यूज करना ना एज अ वेरिएबल रजिस्टर तो याद रखना आपने सिर्फ टर्मिनल ए और सी यूज करना है करना क्या आपने आपने ए से एक वायर लेनी यहां पर आप फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट कर देते हैं सेल यहां पर एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं यहां पर आप चाहे तो एक बल्ब लगा दें और दूसरा टर्मिनल आपने सी से पिक कर लेना ठीक है अब देखें अब गौर से देखना है कि कंडक्शन कैसे होनी जैसे स्विच को क्लोज करेंगे बच्चों करंट इस वायर से चलेगा यहां पर एंटर होगा और रियोस्टेट में एंटर हो जाएगा अब रियोस्टेट की वायर जो है उसमें से करंट गुजरेगा तो करंट को रास्ता चाहिए ना क्लोज पाथ वाला जहां पर सी टच कर रहा होगा करंट सी वाला पाथ अडॉप्ट करेगा और इस बल्ब में से गुजर कर इस बल्ब को इनलाइटन करेगा और फिर बैटरी में करंट वापस चला जाएगा अब आपने एक बात पे गौर करना अभी रियोस्टेट की बहुत थोड़ी सी वायर इंक्लूड हुई है यानी रेजिस्टेंस और लेंथ की प्रोपोर्शनलिटी देखी जाए तो बहुत कम लेंथ ऑफ वायर इंक्लूड हुई है लिहाजा रेजिस्टेंस भी बहुत कम है अब अगर हम क्या करें बच्चों अगर हम इस नोब को फॉर एग्जांपल हम इस जगह पर कनेक्ट कर देते हैं लेट्स से ये नोब इस जगह पर कनेक्टेड है तो नाउ द करंट विल फ्लो लाइक दिस करंट यहां से चलेगा और करंट यहां पर पूरी वायर्स में से गुजरता हुआ जब तक इसे अपना क्लोज पाथ वाला हिस्सा नहीं मिल जाता ये चलता रहेगा वायर में से एंड दैट्स हाउ इट विल बी कंडक्टेड थ्रू द टर्मिनल एसी अब हमने क्या किया अब हमने

नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें रिकॉल करें जहन में रखें कि इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस आर है जो पूरी वायर ए और बी के दरमियान है करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस से गुजरता है हाई से भी गुजरता है लो रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट गुजरता है और हाई रेजिस्टेंस से कम करंट गुजरता है ये मैकेनिज्म होता है और अगर सीरीज सर्किट हो तो लो और हाई रेजिस्टर दोनों में से सेम करंट गुजरता है ये पैरेलल और सीरीज के चक्कर में पड़ जाएंगे हम अच्छा जी बच्चों तो पहला हिस्सा कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आर है और अगर हम इस ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी भी लगा दें जिस बैटरी का पोटेंशियल वी है ठीक है तो अब इस पूरे रियोस्टेट की वायर में से जो करंट पास करेगा ना वो मैं करंट यहां पे लिख रहा हूं I is equal to V over R अगेन ये जो पूरा रियोस्टेट यहां पर बना हुआ है इसकी वायर की टोटल रेजिस्टेंस हम नाम दे देते हैं R का और हमने क्या करना है कि हमने अब इसको यूज करना है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिवाइडर के पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कॉन्सेप्ट दे दूं देखें फर्ज करें हमारे पास एक बैटरी पड़ी हुई है वन हंड्रेड वोल्ट की और हमें उससे किसी ऐसी चीज को चार्ज करना पड़ जाए जिसने चार्ज होना है सिर्फ टेन वोल्ट पर अगर तो हमने उस टेन वोल्ट से चार्ज होने वाली चीज के अक्रॉस हंड्रेड वोल्ट ही अप्लाई कर दिए तो वो चीज वो सर्किट जल जाएगा अब यहां पर आप यूं समझ लें कि अब पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है कि ट्रीट योर बैटरी लाइक अ वाटर कूलर और उस वाटर कूलर में से आपको जितना पानी चाहिए है आप अपनी मर्जी का उतना जो वाटर है वो किसी भी ग्लास में निकाल सकते हैं यानी आप अपनी मर्जी का पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं उसके लिए करना क्या है उसके लिए पहले तो आपको ये समझना है कि बैटरी का आइडियोलॉजी क्या होती है बैटरी का एक टर्मिनल बच्चों क्या होता है हाई और एक लो होता है अब आसानी से समझाने के लिए मैं बैटरी की कोई वैल्यू सपोज कर लेता से तो इसका मतलब है कि तो बच्चों तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है जीरो वोल्ट और ये जो ए टर्मिनल है ये हंड्रेड से कनेक्टेड है तो ए के क्रॉस वोल्टेज कितना है हंड्रेड वोल्ट अब रियोस्टेट के क्रॉस तो पोटेंशियल पूरा डिवेल्प हो गया वो कितना डिवेल्प हो गया हंड्रेड वोल्ट डिवेल्प हो गया यानी ये पोटेंशियल ऐसे डिवेल्प हुआ है कि यहां पर जीरो वोल्ट है फिर टेन है फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एटी और फिर यहां तक कितने वोल्ट्स स्प्रेड हुए हुए हैं वोल्ट्स तक अच्छा जी अब जब हमने इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करना है तो आपने याद रखना पहले टर्मिनल ए और सी था अब टर्मिनल बी और सी है तो याद रखें बी तो मुसलसल लो पोटेंशियल पर है यानी जीरो वोल्ट पर है क्योंकि ये कनेक्टेड ही नेगेटिव टर्मिनल से हमने सी से भी एक वायर निकाल लेनी और फर्ज कर लेते हैं जी हम सी और बी के दरमियान एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं ओके हो गया अब ये जो सी वाली नॉब है ये जिसपे मैं टिक कर रहा हूं ये सी वाली नॉब है हम जरा आसानी के लिए इसको फर्ज करें घसीट के इधर ले आते हैं शुरू में अब ये सी वाली नॉब बिल्कुल इस जगह पर कनेक्टेड है तो बच्चों ये सी वाली नॉब किस पोटेंशियल पे कनेक्टेड है जीरो वोल्ट पे तो सी पे भी जीरो वोल्ट अपियर हो रहा है बी पे भी जीरो वोल्ट अपियर हो रहा है वोल्ट मीटर आपको इस वक्त कितनी रीडिंग देगा जीरो वोल्ट की रीडिंग देगा नेक्स्ट हम इस नॉब को थोड़ा सा स्लाइड करके इस जगह पर कनेक्ट करते हैं जहां पर हम थोड़ा सा हायर पोटेंशियल की तरफ चले गए हैं तो C कितने पोटेंशियल पर आ गया है 10 पर B अभी भी कितने पोटेंशियल पर है जीरो पर तो B और C के दरमियान हमें इस वक्त कितने वोल्ट मिल रहे हैं टेन वोल्ट अगेन रिमेंबर हमारी असल में बैटरी कितने वोल्ट की है हंड्रेड वोल्ट की और हम बी और सी टर्मिनल को यूज करके उसमें से कितने वोल्ट्स एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं कितना पानी निकाल रहे हैं कूलर में से टेन वोल्ट का नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस कि हम जैसे जैसे इस नॉब सी को आगे लेते जाएंगे सी का पोटेंशियल उस, उस तरह वेरी करता रहेगा जबकि बी का जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड लोअर पोटेंशियल की तरह काम करता रहेगा सो so, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हायर पोटेंशियल की तरफ सी का पोटेंशियल भी हायर शो होता रहेगा और हमें बी और सी के दरमियान हमें बी और सी के दरमियान अपनी मर्जी का पोटेंशियल जो है वो मिलता रहेगा अब बात आती है कि फर्ज करें यह सी वाली नॉब इस जगह पर कनेक्टेड है अब इतने हिस्से में पूरा रियोस्टेट तो नहीं आ रहा इतने हिस्से में तो रियोस्टेट का कुछ हिस्सा आ रहा है इस हिस्से की रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं सो वी विल राइट वोल्टेज अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू आई इन स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिखना क्योंकि पूरा रियोस्टेट इंक्लूडेड नहीं है और फिर हम लिखेंगे वी बी सी इज इक्वल टू ये आई की वैल्यू पहले निकाल रखी है ना ये लिख देंगे वी ओवर आर इंटू आर वी बी सी इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लें ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास है कि वी बी सी इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर आर ये वी कौन सा है ये वी हंड्रेड वोल्ट वाला है अब देखें जैसे जैसे आप रियोस्टैट पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे ऑटोमेटिकली ये जो स्मॉल आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के अब देखते हैं वी बी सी के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा आप लिखेंगे वी बी सी इज इक्वल टू आर ओवर आर इन वी सो दिस इंप्लाइज दैट वी विल बी इक्वल टू वी और जनरली कि अगर आप बच्चों इस सी नॉब को मूव करके एग्जैक्ट ए वाले पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे तो सी के ऊपर कितना वोल्ट अपियर हो जाएगा 100 वोल्ट तो हम किन टर्मिनल्स को यूज करते हुए इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं टर्मिनल बी और सी को यूज करते हुए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं जो आपके बुक में लिखी नहीं है लेकिन आपको एज अ जनरल नॉलेज समझ लें ये जो एसी करंट होता है इसका जो लेवल है वो हम हाई भी कर सकते हैं और इसका जो लेवल है वो हम लो भी कर सकते हैं एसी करंट की वैल्यू को हाई या लो करने वाली डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मर का और अगर कोई आपसे पूछे कि डीसी करंट के लेवल को हाई या लो करने वाली डिवाइस कौन सी होती है तो आप उसको इजीली जवाब दें कि रियोस्टेट वर्क्स फॉर डीसी लेवल एंड ट्रांसफार्मर वर्क्स फॉर एसी लेवल आप यूं भी कह सकते हैं कि रियोस्टेट जो है ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ट्रांसफार्मर का डीसी सर्किट के लिए ठीक है तो ये बात जहन में रखनी है कि ए का लेवल हाई या लो करना हो तो ट्रांसफार्मर यूज होता है और डीसी का लेवल हमने हाई या लो यूज करना हो तो रियोस्ट्रट यूज होता है तो मुझे जरा कंफर्म कर दें क्या आप सब बच्चों को पोटेंशियल डिवाइडर की भी समझ आ गई ठीक है बुक पे ये कंप्लीट डायग्राम्स नहीं बनी लेकिन इनको अगर हम कंप्लीट डायग्राम्स की तरह समझें तो ये समझना आसान हो जाता है और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो जनरली समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज या शॉर्ट और इस तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड है इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है थर्मिस्टर क्या है अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर ये बात याद रखनी अगली इंफॉर्मेशन उसने ये दी है कि मोस्टली जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है रेजिस्टेंस का और नेगेटिव पे हमने पढ़ा था कि वो मटेरियल्स जिनके रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो और ये मटेरियल्स कौन से होते हैं ठीक है तो ये जेन में रखें मटीरियल हो जाते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर डिक्रीज वेन देयर टेम्परेचर इज

सेमी कंडक्टर सेटेलिक ऑक्साइड ऑफ मैगनीज निकल को बाल कॉपर आयरन एटसेट्रा ये इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग याद रखनी है दो कंडीशन के साथ के metal oxides होती है उनको सेमी कंडक्टर के साथ मिक्सअप किया जाता है और हीट किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर प्रेस्ड इन टू डिजायन बेगड एट हाई

तो यहाँ पर ये यह आपके पास बुक पे लेफ्ट साइड पे डायग्राम बनी हुई है ठीक है बीड रॉड्स एंड वॉशर्स जो है उनकी शकल में इस शक्ल में थर्मिस्टर्स को जो है वो डिजाइन किया जाता है और तीसरा पैराग्राफ इसके यूज के बारे मेंचर कोफिशंट्स आर वेरी एक्यूरेट फॉर मईरिंग लो टेम्परेचर स्पेशली नियर टेन केल्विन ये लाइन बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पर भी आ चुकी है कि वो थर्मिस्टर जिनका बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट हो यानी वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सकते हो या यूं कह लें कि बहुत कम टेम्परेचर चेंज करने पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर जाए तो उसको हम कहते हैं थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ठीक है देर इज अ लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस तो इस तरीके से इसको याद रखना है हायर द रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इनेबल मोर एकट मेयरमेंट पॉसिबल ठीक है जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी लो टेम्परेचर पर उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट मेयरमेंट जो है वो पॉसिबल होंगी और फिर लास्ट पे कहता है थर्मिस्टर हैोल्टेजेस विच इजली Which is duly process. Duly process का मतलब यह है कि इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनर्जी थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल और यहां पर ड्यूली प्रोसेस का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिकल को दोबारा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो ड्यूली प्रोसेस का वर्ड सब बच्चे जेहन में रखें कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इंटू हीट तो ये जो टॉपिक है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है ठीक है इसमें आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन का हिस्सा फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा फिर उसके यूजेस का और फिर टेम्परेचर सेंसर्स, सेंसर जो होता है क्या होता है सेंसर की डेफिनेशन याद रखें सेंसर वो चीज होती है कि हम उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनपुट दें तो वो आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी दे मिसाल के तौर पे हम इसको साउंड एनर्जी दें और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे तो ये सेंसर यकीनन माइक है समझ ही बात की तो सेंसर वो डिवाइस होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल एंटिटी में चेंज कर देती तो ये थे बच्चों हमारे आज के टॉपिक्स कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स रियोस्टेट एंड थर्मिस्टर